नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। पटियाला से पूर्व सैनिक चलकर जंतर मंतर पहुंचा, जोरदार स्वागत। देखिए किस तरह से साइकिल यात्रा करके रिसीव कर सैकड़ों पूर्व सैनिक जंतर मंतर धरना प्रदर्शन में ला रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। आप देखें इनकी अगली घोषणा। कभी अखाड़ों में बांटा, ये फलाने अखाड़े से है, कभी प्रदेश में बांटा, कभी जाति में बांटा, कभी धर्म में बांटा, कभी कह रहे थे पंजाब से आ गए, खालिस्तानी आ गए, कभी कहते थे जाट जाट आ गए पीछे, कभी कहते थे फलाने खाड़े का है, उत्तर प्रदेश वाले पहलवान नहीं आ रहे, ना आ गए तो फिर लेकिन ठाकुर पे और उस पर फिर कभी पुलिस और पहलवान कर देते हैं, जो बदनाम करने के लिए ध्यान भटकाने के लिए काम किए जाते हैं ना। उनके साथ जो विसंगतियां हुई है उनके हक की लड़ाई के लिए पटियाला से जंतर मंतर तक किस तरीके से साइकिल से अकेले ने यात्रा की है, ये अपने आप में एक मिसाल है। सूबेदार सुरेंद्र सिंह साहब की उनके संघर्ष की सूबेदार साहब हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो सूबेदार साहब, आगे बढ़ो तुम्हारे साथ हैं सूबेदार साहब, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं सूबेदार साहब, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। कल भी बताया था, आपको बताया किस तरीके से हमारे सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब ने साइकिल के माध्यम से संदेश दिया है पूरे देशवासियों को, पूरे सैनिकों को कि आप भी अपने घर से निकलिए, अब समय आ गया है आपको अपने घर से बाहर निकलने का, अब समय आ गया है सरकार से अपने साथ जो जातियां हुई हैं विसंगतियां हुई हैं उनको मनवाने का। और आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार उसी की सुनती है जिसके साथ संख्या बल होता है, और आज आपके साथ कितना संख्या बल है जिन आपने 3 अप्रैल को और 30 अप्रैल को संवैधानिक तरीके से सरकार के कानों तक पहुंचा दिया, और अब वो समय आ गया है कि आप हर घर पर गांव-गांव लेवल से इकट्ठे हो जाइए, और आने वाले समय में अगर सरकार आपकी नहीं मानती है, सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो मनाने का तरीका इनडायरेक्टली बता दिया गया। समझदार है, समझदार के लिए सारा ही काफी होता है। ये सारा है कि हम कितनी तादाद में 28 लाख पूर्व सैनिक, कहने को 33 लाख है, उसमें सारे अफसर वगैरह सबको निकाल दिया जाए और जवान की नौकरी 28 लाख जो पूर्व सैनिक है, एक सैनिक के साथ कम से कम 10 वोट है, और इस तरह के जो हमारे वीर हैं, हमारे जो इस तरह के धरोहर हैं, विभूतियां हैं, जो इतना संघर्ष करके अकेले दम पर पटियाला से दिल्ली जंतर मंतर तक साइकिल पर निकल सकते हैं, तो वो देखिए कितने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। सीधा संदेश है सरकार के लिए कि जो विसंगतियां हुई है उनको एड्रेस किया जाए और जल्दी से जल्दी किया जाए। अब मैं आपको 2-4 बेचैनी की बातें बता देता हूँ कि सरकार के अंदर बेचैनियां कैसे हो रही, आपके जनप्रतिनिधि, आपके सांसद और आपके पूर्व जो सेना के प्रमुख रह चुके हैं वो माइक बंद करवा के कहते हैं कि जवानों को 94% बेनिफिट मिला है जबकि अफसरों को 4% मिला है।
अगर ऐसा है तो ये पूरे देश में जो ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं आप इनका खंडन क्यों नहीं करते? जिस तरीके से पूर्व सैनिक अपनी मांग रख रहे हैं, उन्होंने मुद्दे उठाए हुए हैं, इस तरीके से आप उसका एक सॉल्यूशन निकाल के दे दीजिए, फिर देखिए पूर्व सैनिक मानते हैं कि नहीं मानते। माइक बंद करवा के कैमरे के पीछे बोलना एक वो समय निकल गया। अब माइक और मंच हमारे अपनों के हाथ में है। जो गैदरिंग होंगे वो मांगे उठाई जाएंगे, वो मांगे मांगी जाएंगी। अब कुछ नहीं रहा गया। इसलिए दोस्तों याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साहब के संघर्ष की जय हिंद। हमारे कैप्टन लोकेंद्र साहब ने जो सम्मान के लिए यहाँ तक आए, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक, कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक, क्योंकि 75 सालों में जो केंद्र सरकार है उन्हें दोयम दर्जे का व्यवहार किया है जवान देशों की, क्योंकि सेना में 97% जवान देशों और बलिदान भी 97% जवान देशों में देते हैं, पर यह जो व्यवहार किया जा रहा है पे पेंशन में, डिसेबिलिटी पेंशन में, कर्मचारी रिटायरमेंट में, सैनिक विधवाओं में, पेंशन में, यह बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक है। और इसीलिए इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। हमारे हमने लोकेंद्र साहब ने भी बहुत ही अच्छी बात की है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आज हमारे को मुट्ठी बीच के खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हम और पीछे चले जाएंगे। और अगर अभी भी हम घर के अंदर बैठे रह गए तो फिर शर्म केंद्र सरकार में नहीं आनी चाहिए, फिर हमारे को अपने आप में आनी चाहिए, क्योंकि हमने केंद्र सरकार को जगाने की कोशिश नहीं की। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जहाँ तक हमारी आवाज है मीडिया का था कि सैनिक भाइयों अभी इस आंदोलन को तेज धार देने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में इसका 100वां दिन भी होगा और 100वां दिन में कुछ बड़ा होगा, या तो बड़ी रैली होगी या कुछ ना कुछ होगा। और आप लोगों के माध्यम से कि हमने आगे का क्या सुझाव है, तो आप अपने सुझाव इंडिविजुअल के व्हाट्सएप ग्रुप में दो कि 100वें दिन फेडरेशन और वेटरन एसोसिएशन क्या कदम उठाए। और मैं अपने मोहन रंगन साहब को एक बार बताना चाहता हूँ कि आज हमारा तमिलनाडु इस धरने को आगे लेके चल रहा है। तमिलनाडु के कुछ नहीं आए हुए और इनके बगैर तो वैसे स्वागत नहीं हो सकता। तो सर मोहन रंगन सर